हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगांतो धारा। इस वीडियो बताऊंगा क्या कातर में फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले वर्क माल ट्रेंडिशन में जाना चाहिए। बहुत सारे भाई ने इस तरह से कमेंट किया है, कातर में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा आज से एक साल ही बाद ही फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, तो फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले जो माल ट्रेंडी वीसा में जाना सही होगा, क्योंकि इस वीसा में जाने के बाद कि 2 साल रह सकते हैं। इस तरह से बहुत भाई का डाउट भी हो रहा है और माल ट्रेंडी वीसा के बारे में दूसरे भाई ने यह भी कॉमेंट किया है, माल ट्रेंडी वीसा में जाने के टाइम एक रिटर्न टिकट भी साथ लेके जाना पड़ रहा है, तो इस विषय में कैसे 2 साल रहेंगे तो भी आप लोग इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आप लोग कंप्लीट देखेंगे तो मल्टी एंट्री वीजा के बारे में फुली डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा, और इस विषय में जाएंगे तो कातर आईडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी आप लोग को सही जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहले आप लोग एक चीज बता देता हूं, आप मल्टी एंट्री वीजा जाए कि वर्क वीजा में जाए, अब किसी भी वीजा में जाए, आपका और कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, जो एग्रीमेंट होगा, ये एग्रीमेंट को आपको पहले एक बार चेक करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, उसके बाद साइन करना चाहिए। तो एग्रीमेंट में अगर आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है तो आराम से जा सकते हैं, किसी भी वीजा में जा सकते हैं। लेकिन जो एक प्रॉब्लम हो रहा है, माल ट्रेन वीजा का वैलिडिटी 3 महीना की, 6 महीना की, 1 साल का हो रहा है, लेकिन अभी का सिचुएशन में माल ट्रेन वीजा 3 महीना का ही दे रहा है, 6 महीने का भी किसी किसी को मिल रहा है लेकिन 1 साल का भी नहीं मिल रहा है। तो माल ट्रेन वीजा में क्या अभी जाना सही होगा, क्योंकि बहुत सारे भाई ने इस तरह से कमेंट किया है कि कातर में फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले बहुत सारे वर्कर को घर भेज देगा, तो मल्टी एंट्री वीजा में लेकर जाएंगे तो घर भेजना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का जो वर्क वीजा क्या एम्प्लॉयमेंट वीजा में जाएंगे तो उसी से भी आपको 2 साल रहने के लिए मुश्किल नहीं भी हो सकते, लेकिन मल्टी एंट्री वीजा में जाएंगे तो 1 साल के अंदर आपको घर भेजना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए कंपनी मल्टी एंट्री वीजा दे रहा है। इस तरह से बहुत भाई का डाउट हो रहा है, देखिये मल्टी एंट्री वीजा में बहुत सारे आदमी पहले भी जा चुका है, अभी भी जा रहे हैं, और 1 साल हो गया है बहुत सारे भाई ने मल्टी एंट्री वीजा में जा चुका है। मल्टी एंट्री वीजा में कातर में जाने के बाद कातर आईडी भी बहुत सारे भाई का मिल गया है, किसी का 2 साल भी हो गया है मल्टी एंट्री वीजा जाने के बाद भी, लेकिन बहुत सारे भाई का कातर आईडी अभी तक नहीं मिला है। ये सही है, बहुत सारे भाई का कातर आईडी नहीं मिला है, लेकिन कातर आईडी बहुत सारे भाई का प्रोसेसिंग भी चल रहे, लेकिन ज्यादातर कंपनी में मल्टी एंट्री वीजा में जाने के बाद कातर आईडी नहीं मिल रहे, ये आप लोग को पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका कंपनी मल्टी वीजा में लेके जा रहे सही है, लेकिन आपको 2 साल का एग्रीमेंट हो रहा है तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप 2 साल रह सकते हैं, एग्रीमेंट को एक बार फॉलो करना चाहिए, 2 साल का एग्रीमेंट है कि नहीं आपको चेक करना चाहिए, पर ना आपको एक साल का क्या 6 महीने का एग्रीमेंट होगा तो आप 2 साल नहीं रह सकते, क्योंकि मल्टी एंट्री वीजा में जाने के बाद कातर आईडी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत सारे भाई कातर आईडी नहीं मिला है। मल्टी एंट्री वीजा में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मल्टी एंट्री वीजा ये नॉर्मल मेडिकल करके वीजा मिलता है, इसके लिए केवीसी मेडिकल जरूरत होता नहीं है, और केवीसी मेडिकल छोड़ के कातर आईडी भी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर कातर में केवीसी मेडिकल कराएंगे तो आपका मल्टी एंट्री वीजा से कातर आईडी लग सकते हैं, और बहुत सारे भाई के कातर आईडी लग चुका है, तो केवीसी मेडिकल कातर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टी एंट्री वीजा में नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, और नॉर्मल मेडिकल करके जाएंगे आईडी के लिए अप्लाई करेंगे कातर में जो केवीसी सेंटर है, उस केवीसी सेंटर में आपको केवीसी मेडिकल करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या मल्टी एंट्री वीजा में जाना कि सही होगा, मल्टी एंट्री वीजा जा सकते, आपको चारों तरफ से ध्यान देना है, आपका एग्रीमेंट देखना है, एग्रीमेंट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है क्या, उसके बाद ये भी चेक करना है आपका मल्टी एंट्री वीजा का वैलिडिटी कितना दिन का है, और 1 साल का वैलिडिटी है तो प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी एंट्री वीजा का 3 महीना वैलिडिटी था, उस भाई ने बोला है मेरा रिटर्न टिकट भी साथ है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इस तरह से रिटर्न टिकट भी आपका साथ है, इस तरह से रिटर्न टिकट भी आपको लेकर जाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपका मल्टी एंट्री वीजा हो सकते हैं लेकिन वो शट डाउन वीजा है, इस तरह से वीजा हो सकते हैं। मल्टी एंट्री वीजा इस तरह से होगा तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि रिटर्न टिकट आपको जरूरत होता नहीं है मल्टी एंट्री में जाने के बाद, क्योंकि मल्टी एंट्री ये भी वर्क वीजा है। और जो भाई सोच रहे हैं कातर में फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले बहुत सारे वर्कर को घर भेज देगा, इस तरह से नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है, कातर में फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले वर्कर को नहीं भेजेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे भाई का 2 साल का वर्क वीजा मिल रहा है, केवीसी मेडिकल करके वीजा मिल रहा है, और कातर में जाने के बाद कातर आईडी भी लग रहा है, तो इस तरह से घर नहीं भेजेगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप मल्टी एंट्री वीजा में जा रहे हैं तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करके रहना पड़ेगा, आप कंपनी चाहेगा तो रख भी सकते हैं और नहीं चाहेगा तो आपको घर भी भेज भी सकते हैं। वर्क मल्टी वीजा में जाने से पहले ये सारी चीज आपको एक बार चेक करना है, उसके बाद वर्क मल्टी एंट्री वीजा में जाए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी मिल गया है फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले वर्क मल्टी एंट्री वीजा में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो अनुसार आपको मिलता रहेगा।